प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अक्सर अपनी पार्टी के नेताओं, मंत्रियों, सांसदों, विधायकों को सार्वजनिक जीवन में संयम बरतने, सेवा भाव रखने और वीवीआईपी कल्चर को खत्म करने के लिए कहते रहते हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि यह संदेश अभी पूरी तरह बीजेपी के अंदर पहुंचा नहीं है, क्योंकि यूपी के संभल में बीजेपी विधायक ने जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया है वो हैरान करने वाली है। बीजेपी विधायक अजीत कुमार राजू ने खुलेआम न सिर्फ सरकारी अधिकारियों, कर्मचारियों और पुलिस वालों का अपमान किया, बल्कि भाषा की मर्यादा भूलकर गुन्नौर से नुमाइंदे चुने गए नेताजी ने पब्लिक को मारपीट करने के लिए भी उकसाया। देखिए क्या कुछ कहा बीजेपी विधायक ने। अगर ये चीनी राशन तेल नहीं बांटते हैं, ये जनाब हैं यूपी के संभल के गुन्नौर से बीजेपी के विधायक अजीत कुमार राजू। मौका था विधानसभा क्षेत्र में फसल कर्ज माफी योजना के कार्यक्रम का, लेकिन इस मौके को माननीय ने सरकारी कर्मचारियों के खिलाफ लोगों के भड़काने के मंच में तब्दील कर दिया। कैसे, आप भी सुनिए। वहीं पर मारते मारते हमारे पास ले आओ, कोई भी कार्रवाई आपके खिलाफ नहीं होगी। नेताजी समाजवादी पार्टी छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए थे, पार्टी तो बदल गई लेकिन भाषा नहीं बदली। नेताजी खुलेआम लोगों से कह रहे हैं कि मैं अकेला आपकी लड़ाई नहीं लड़ सकता, आपको खुद अपनी लड़ाई लड़नी होगी। नेताजी भूल गए कि गांधी जी ने बिना हिंसा के देश को आजाद करा दिया था, लेकिन ये एक काम करवाने के लिए जनता को मारपीट करना सिखा रहे हैं। जब तक आप लोग अपनी लड़ाई नहीं लड़ोगे तो एक आदमी 2 लाख आदमी 3 लाख आदमियों की लड़ाई लड़ सकता है क्या? नेताजी को शायद ऐसा लगता है कि जब इलाके की जनता सामने बैठी हो, मुंह के सामने माइक हो, तो भक से कुछ भी बोल दो, सब जायज है। अब बारी जुबानी जमा खर्च से पुलिस वालों को सुधारने की थी। बीजेपी विधायक अजीत कुमार राजू ने कहा कि अगर कोई रिश्वत लेगा तो उसे मुर्गा बनाया जाएगा। मुर्गा बना के वापस कराऊंगा। विधायक जी का बस चले तो वो भाषण से ही राम राज्य की स्थापना कर दे। अब बारी राशन डीलरों को धमकाने की थी। अगर ये चीनी राशन तेल नहीं बांटते हैं, 10-20-50 आदमी इकट्ठे हो जाओ और बेईमानी करते हैं तो मुकाबला करो, वहीं पर मारते मारते हमारे पास ले आओ, कोई भी कार्रवाई आपके खिलाफ नहीं होगी। ऐसा लगता है कि नेताजी की दबंगई की आदत पुरानी है, इसीलिए जाते जाते ही जाएगी। जो खुद करते आ रहे हैं वही जनता को सिखा रहे हैं। सुनिए, कह रहे हैं कि किसी को मिट्टी की जरूरत है तो जेसीबी लाओ और पूरा का पूरा खेत खोद डालो। यहाँ पर बहुत बड़ी शिकायतें आ रही हैं बैंक वालों की कि केसीसी में कमीशन लिया जा रहा है। ये सब खेल समाजवादी की सरकार में, बीएसपी की सरकार में हुआ करते थे। अब मैं यहाँ का विधायक हूँ, ये मेरी जिम्मेदारी बनती है। अगर कोई भी एक भी केस अगर आ गया तो आपकी जिम्मेदारी होगी। पुलिस वालों से लेकर राशन वालों और लेखपालों से लेकर सरकारी कर्मचारियों, सबके खिलाफ मारपीट को हथियार बनाने का ज्ञान जनता को देने वाले बीजेपी के विधायक का वीडियो अब पार्टी के लिए भी फजीहत बनता जा रहा है। सरकार की मंशा के अनुसार कार्य नहीं करोगे तो हमारे हाथ पीछे को बंधे हुए नहीं है, हम किसी के मोहताज नहीं है। बीजेपी विधायक ने कार्यक्रम में मौजूद बैंक कर्मचारियों और बीडीओ को भी बेइज्जत किया। अजीत कुमार राजू ने कहा कि अधिकारी खुद समझ जाएं तो बेहतर होगा, क्योंकि वो समझाएंगे तो क्या होगा इसका अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। 15 दिन का, 1 महीने का समय देता हूं उन लोगों के लिए कि अगर कोई शिकायत आ गई भ्रष्टाचार की, पैसे देने की, तो उसके खिलाफ FIR लिखवाऊंगा, बैठ के उसको जेल भिजवाऊंगा। यहाँ पर शायद ये से साफ है या नहीं है?
विधायक ने बैंक कर्मचारियों का भी अपमान किया और उन्हें सीट से खड़ा कर दिया। पिछली सरकारों को कोसते हुए कहा कि वो ढर्रा अब नहीं चलेगा। बीजेपी विधायक ने कहा कि कमीशन खोरी की शिकायतें मिल रही हैं और अगर ऐसा हुआ तो अधिकारियों के लिए अच्छा नहीं होगा। बड़बोले विधायक ने प्रधानमंत्री मोदी की भाषण शैली की तो नकल कर ली। मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं कि ये सारे काम होने चाहिए नहीं होने चाहिए। लेकिन पीएम मोदी का शालीनता, सभ्यता और सार्वजनिक जीवन में विनम्रता बनाए रखने वाला पाठ भूल गए। सवाल यही है कि क्या बीजेपी के इस बड़बोले विधायक के खिलाफ हिंसा के लिए उकसाने का केस दर्ज किया जाएगा? क्या बीजेपी अपने विधायक से गैर जिम्मेदाराना बयानबाजी के लिए माफी मांगने के लिए कहेगी? क्या लोगों को बेईमानी सिखाने और मारपीट के लिए उकसाने वाले विधायक पर एक्शन लिया जाएगा? मसालेदार भाषा और भड़काऊ लफ्जी से नेताजी ने जनता से चंद तालियां तो बटोर ली, लेकिन ये भूल गए कि लोकतंत्र में डंडे का जोर नहीं चलता। शायद नेताजी किसी तानाशाह मुल्क में पैदा हुए होते तो लोकतंत्र के ढांचे को बेहतर तरीके से समझ पाते। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।